hello everyone so in this video we are going to learn about the second part of the chapter and that is import type so we have covered the types related to export so more questions will be solving related to export and import combined but basically all the questions which we are solving you should be practicing those questions by the practice questions which i am already sending to you uh, with the pdf so in this video we are going to learn about the basics of import what kind of points you should learn or what kind of points you should understand whenever you are passing general entries for import type because export and import totally are little bit opposite to each other and the rules also changes while passing the entries of import सो so, एक्सपोर्ट के हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी दिए हैं वो काफी सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के दिए है वो आपको सॉल्व करने हैं ताकि आपका एक ग्रिप बने रहे एक्सपोर्ट के टाइप के ऊपर जब तक आपके एक्सपोर्ट का बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तब तक इंपोर्ट में आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगे और जब तक इन दोनों के आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक कंबाइंड क्वेश्चंस विल बी अ डिफिकल्ट टास्क टू ऑल ऑफ यू

लेकिन इंपोर्ट पे हम क्या सीख रहे हैं रेट बढ़ेगा तो लॉस होगा अगर रेट बढ़ जाएगा तो लॉस होगा और वेन एवर दर इज लॉस एफ ई एफ अकाउंट विल बी डेबिटेड तो इंपोर्ट में आपको ये चीज याद रखनी है एंड दैट इज वेन द रेट इज इंक्रीज इट्स अ लॉस एंड सिंस इट इज अ लॉस एफ ई एफ अकाउंट विल बी डेबिटेड तो रूल नंबर वन क्या है इफ रेट इज इंक्रीज इन इंपोर्ट

इंपोर्ट का होगा पहला एंट्री काफी इंपोर्टेंट हर क्वेश्चन में ये एंट्री हमें करना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री एंड द एंट्री इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट पार्टीज का नाम अगर नहीं दिया तो हम क्या लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट जैसे हम एक्सपोर्ट में क्या लिखते थे सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट पार्टीज अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स सिमिलरली फॉर इंपोर्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट या अगर नाम नहीं दिया होगा तो संडरी क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा इंस्टॉलमेंट एंट्री विल बी पार्टीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्या होगा एंट्री पार्टीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट तो अगर हम ध्यान से देखे एक्सपोर्ट के केस में बैंक अकाउंट क्या होता था एक्सपोर्ट के केस में बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होता था तो आपको याद रखना है वेन एवर यू आर रिसीविंग इंस्टॉलमेंट तो दैट विल बी इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट में हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट होगा और इंपोर्ट में हमेशा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा ये आपको बेस याद रखना है तो so जब कभी भी आप इंपोर्ट की जनरल एंट्री करोगे तब आपको ये याद रखना है कि बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड वेन एवर यू आर रिसीविंग इंस्टॉलमेंट बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड तो वो तो एक्सपोर्ट में होगा एक्सपोर्ट में पैसे मिलते हैं इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट इंपोर्ट में पैसे पेमेंट करोगे इसीलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट और आपको ये तो नोट याद रखना ही है कि ये एंट्री में हम एफ ई एफ का पोजिशन डेबिट क्रेडिट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट और लॉस तो इम्पोर्ट में क्या रूल था अगर रेट बढ़ जाएगा तो लॉस होगा और रेट बढ़ेगा लॉस होगा तो एफ ई एफ क्या होगा एफ ई एफ डेबिट रेट कम होगा तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट के केस में क्या होता है एफ ई एफ क्रेडिट होता है तो ये अपना बेसिक है तो हमें याद रखना है वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन फॉर वैल्युएशन मेड वैल्युएशन देर इज अ सेम फंडा वैल्युएशन कब होता है थर्टी फर्स्ट मार्च को होता है और कौन से बेसिस पे वैल्युएशन किया जाता है थर्टी फर्स्ट मार्च को अगर हम देखते हैं कि थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है तो वी आर गोइंग फॉर वैल्युएशन एंड इन केस ऑफ वैल्युएशन इफ इट इज अ प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट तो ये तो हमारे इम्पोर्ट में और एक्सपोर्ट में देखो वैल्यूएशन का जो कंसेप्ट है वो तो इम्पोर्ट हो या फिर एक्सपोर्ट हो दोनों के केस में वैल्युएशन का कंसेप्ट सेम है सिर्फ प्रॉफिट और लॉस अलग अलग आएंगे इंपोर्ट में अगर प्रॉफिट होगा तो एक्सपोर्ट में लॉस हो जाएगा तो ध्यान रखना है आपको बिकॉज रूल्स दोनों के अलग अलग है सो वैल्यूएशन विल बी सिमिलर एंड द नेक्स्ट पॉइंट विल बी फॉर ट्रांसफरिंग बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस तो ट्रांसफरिंग बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस इफ यू रिमेंबर हम करते थे एफ पी एफ जितने बार क्रेडिट हुआ हम उसे ऐड करते थे और जितने बार एफ पी एफ डेबिट हुआ हम उसे लेस करते थे तो so, दोनों को अगर एड लेस करेंगे तो आंसर मिलता है वो तो अगर आंसर पॉजिटिव आता है मतलब प्लस आंसर आता है तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी एफ एफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस इफ योर आंसर इज पॉजिटिव देन द एंट्री विल बी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड इफ द आंसर इज नेगेटिव देन रिवर्स एंट्री आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफ एफ अकाउंट इतने ही जर्ल एंट्रीज आपको इम्पोर्ट में याद रखने हैं एंट्री नंबर वन इज चेंज नाउ परचेजेज अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट एंट्री नंबर टू इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड बैंक अकाउंट विल बी ऑलवेज क्रेडिटेड यह याद रखना है पार्टीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट थोड़ा सा बेसिक लिख के देता हूँ ध्यान से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक साथ लिख लेंगे दैट विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू टू रिमेंबर दिस रूल्स तो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें पहले मैं एक्सपोर्ट का भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ फिर हम इम्पोर्ट की बात करें एक्सपोर्ट में अगर रेट बढ़ेगा एक्सपोर्ट में अगर रेट बढ़ेगा प्रॉफिट होगा एफ ई एफ क्रेडिट एक्सपोर्ट में अगर रेट कम होगा तो लॉस होगा एंड लॉस में क्या होता है एफ ई एफ डेबिट ठीक है और एक्सपोर्ट में दूसरा क्या पॉइंट आपको याद रखना है बैंक अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा अभी इंपोर्ट का रूल देखते हैं इंपोर्ट का रूल क्या है इंपोर्ट में अगर रेट बढ़ेगा तो लॉस होगा एफ ई एफ डेबिट ये इसी का कर ऑपोजिट करना है यहां पे एक्सपोर्ट का ऑपोजिट रेट अगर कम होगा तो प्रॉफिट एफ ई एफ क्रेडिट फाइन और इसमें हमेशा बैंक अकाउंट क्या होता है हमेशा बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है बिकॉज यहाँ पे वी आर रिसीविंग द पेमेंट एंड यहाँ पे क्या है इम्पोर्ट में वी आर पेमेंट इज मेड ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है तो यही बेसिक्स है इम्पोर्ट वरायटी रिलेटेड ये अगर याद रखोगे तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे तो दैट सेट फ्रॉम दिस नेक्स्ट लेक्चर में इम्पोर्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए जर्ल एंट्रीज को थोड़ा सा रिवाइज करके रखें सो दैट आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी फेस ना हो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर